और शामली जिले के संदीपनघाट थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर गांव के पंडा चौराहा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। गहरी नींद में सो रहे लोग गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनकर जाग गए और घटनास्थल पर पहुंचे। देखते देखते हमलावरों ने 3 लोगों की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक संदीपनघाट थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर गांव के पंडा चौराहा निवासी होरीलाल के दामाद शिवशरण ने गांव में जमीन खरीदी थी, जिस पर दबंग कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। इस मामले को लेकर कई वर्षों से शिव शरण अपने ससुर के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का चक्कर काट रहा है। इसी मामले को लेकर गांव के दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा था। होरीलाल और दामाद शिव शरण व होरीलाल की बेटी ब्रिजकली पर ताबर तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया है। मौके पर तीनों की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद सुबह से लेकर शाम तक पुलिस का जमावड़ा बना रहा। इसी के बीच बसपा के राजू गौतम, जॉन रिचार्ज प्रयागराज, सांसद विनोद सोनकर और विधायक पूजा पाल पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। अब देखना है कि इस मामले में क्या कार्यवाही होती है। ये ग्राम मोहिउद्दीनपुर है, संदीपन घाट थाना क्षेत्र में। ये सुबह 6:15 बजे ये सूचना आई थी, यहाँ ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक ससुर और बेटी दामाद का घर के बाहर ये सो रहे थे। इसमें 4 लोगों को अभी नाम बताया है, उनको नामजद कर रहे हैं। वो घर से फरार हैं, हमारी टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। इसमें इनकी ज़मीन की पैमाइश थोड़े दिनों पहले हुई थी, उसी को लेकर के कुछ विवाद है, उसके बारे में गहराई से हम लोग जानकारी कर रहे हैं। अभी डेड बॉडी यहाँ से मॉर्चरी भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं और जो पीड़ित पक्ष है उसके परिजन, कुछ यहाँ जो विपक्षी हैं उनके घर के बाहर जो झोपड़ियाँ थी उसमें आग लगाई है, आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है, हम लोग यहाँ मौके पर मौजूद हैं और जो विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जब मालूम पड़ा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का फोन आया, तब हम लोग यहाँ पे मौके पे आए हैं। बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि जिस तरह बाबा जी का बुलडोजर गरीबों के ऊपर चल रहा है, हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे समाज के 3 लोग मारे गए हैं, और बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि अगर गरीब के घर में बुलडोजर बाबा जी का चल सकता है तो इनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। और हम बहुजन समाज पार्टी मांग करती, हमारी नेता का भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सर्जन सुखाय के तहत एक भी गरीबों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ। आज हमारे समाज दलित समाज के लोग 3 लोग मार दिए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये बहुजन समाज पार्टी मांग करती है। देखिए, सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से मैं इनको आश्वासन दिया हूँ कि जो लोग पीड़ित हैं सरकार उनके साथ खड़ी है, और जिन लोगों ने यह घटना को अंजाम दिया है कोई बचेगा नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सरकार से बात हो गई है, इन सब पे NSA लगाए जा रहे हैं। इसके विधायक पूजा पाल ने स्थानीय प्रशासन को पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। देखिए भाई, इसी दुखद घटना पे मैं उनके किसी भी प्रश्न का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस दुखद घटना पे कम से कम ये ओछी राजनीति न करें तो बेहतर होगा। परिवार लगातार मांग कर रहा है सर कि आरोपियों को घर पर बुलडोजर चले। देखिए, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और जिस प्रकार की आवश्यकता महसूस होगी कार्रवाई की जाएगी। ये विश्वास रखे कि योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था का राज है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था के अनुसार काम किया जाएगा और पीड़ित पक्ष को पूरा न्याय मिले, उनको संतुष्टि मिले, वो कार्रवाई की। किस बात को लेकर हत्या हुई है सर, क्या मामला था? यहाँ पे 100 बीघे जमीन का एक रकबा है जो ये गांव चकबंदी में है और कुछ पट्टेधारक कब्जे में है, कुछ पट्टेधारक ने अपनी पट्टा की जमीन बेच दिया है, तो कई तरह के विवाद यहाँ पर है। उसके लिए यहाँ चकबंदी के कारण कोई विषय न्यायालय में विचाराधीन है और जिनका इनका विषय है इनका इस पर कब्जा है। हमने सरकार की तरफ से उनको कहा भी था कि आप लगातार